हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे ये जो कॉइनबेस वॉलेट NFT के बारे में बता रहा था कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बारे में। तो इसका जो है मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर ब्राउज़र में आपको भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कल जो मैंने आपको क्लेम करके दिखाया तो इसमें क्लेम अभी आ गया है, ठीक है। तो वही दिखाना है, तो जितना जल्दी हो सके कर लो क्योंकि ये इंस्टेंट NFT आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ये NFT है, ठीक है, ये मिंट हो गया है। योर NFT हैज़ बिन मिंटेड, दैट मीन्स मुझे ये NFT मिल गया है। तो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा अभी, जैसे ये है सॉरी एसेट्स है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं एसेट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हो जो यहाँ पे फिर से देख सकते हो NFT। तो ये NFT में मुझे क्लेम करना है, क्लेम करते हैं मेरा। यहाँ पे आपको दिखेगा ये कॉइनबेस NFT कथकली डांसर्स बोल के, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऐसा आएगा, तो इसमें रीड मोर बोल के है, देख सकते हो ये जो आपका NFT है वो क्यों मिला था और कलेक्शन यहाँ पे देख रहे हो। कॉइनबेस वॉलेट NFT नेटवर्क पॉलीगॉन नेटवर्क में मिल चुका है और ये इसको प्ले करके भी देख सकते हो। ऐसा है NFT, ये एक GIF NFT है, ठीक है। तो इसको आप बाय सेल कर सकते हो, तो इसको आप व्यू ऑन OpenSea या फिर थर स्कैन आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो OpenSea है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। जो आपका NFT है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे है OpenSea, तो डिस्कवर कलेक्ट एंड सेलेक्ट सेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी NFT, जो भी NFT आप सेल कर सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट, तो आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। कनेक्ट जैसे करोगे तो आपका यहाँ पे है अभी कॉइनबेस हम लोगों का, तो कॉइनबेस में क्लिक करना है, आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से बैक कर देना है, बैक करने के बाद आपका जो यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते आपको यहाँ पे जाना है प्रोफाइल, तो डायरेक्टली मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या करना है। तो प्रोफाइल में जाओगे आप तो इसमें आपका ये जो NFT है दिख रहा है, ठीक है। इसको सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो ये कॉइनबेस वॉलेट NFT है इसका आपका टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है 24 आवर्स वो है 1.2 मिलियन ओनर्स है और फ्लोर प्राइस अभी 0.01 है, ठीक है, अराउंड उससे नीचे शायद। तो अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो लास्ट सेल प्राइस है 0.0025, ठीक है। इस प्राइस में अभी सेल हुआ, इसका अभी आप कैलकुलेट करो तो आज के डेट पे इसका मैं दिखाना चाहता हूँ जो कॉइन मार्केट कैप है इसमें इसका प्राइस कितना है फिलहाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 0.0025 का अराउंड $4.69 $4.69 आपको इसका मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कैसे इसको सेल करना है तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा। इसको क्लिक कर देना है, तो क्लिक करते ही ये ओपन होगा, ठीक है। तो कभी कभी टाइम लगता है इसमें, तो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे जाने के बाद माय अकाउंट जाना है, प्रोफाइल में जाके जो कलेक्शन है आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसा करोगे तो कभी कभी ओपन नहीं होता है तो रिलोड लेते रहते। तो इसमें जो है इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका ऐसा आएगा ऑप्शन, इसमें आपको सेल करना है। इसमें सेल में क्लिक करते ही आपका जो ये आएगा इसका जो लास्ट होल प्राइस है इतना है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू में करना है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 0.0025। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आप अगर 0.0025 में भी सेल करते हो या इसका नीचे भी सेल करना चाहते हो तो आपको सेल नहीं होगा। तो इसका क्या है, लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन $5, आपको $5 का अबव इसमें होना पड़ेगा। तो इसका आपको मिनिमम 2.7 करना है या फिर 6.5 कर सकते हो, 6.5, 6.6, हाँ कुछ भी ऐसा कर सकते हो। तो ये मिनिमम प्राइस आपको इस प्राइस में आप इसको सेल कर सकते हो, उसका नीचे नहीं होगा। तो जैसे सपोज मेरा मान लो 0.003, इसमें अभी फिर है मंथ, आपको 1 मंथ के लिए से देना है इसको या फिर 3 डेज़ के लिए, तो वो आप
चेक कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो भी हो सपोज ऐसा किया आपने, ओके सेट कर दिया है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग जो है इसमें कर सकते हो। उससे पहले और एक चीज़ है, जो फीस है, आप क्रिएटर फी 10% चार्ज लेगा और सर्विस फी, क्रिएटर फी मतलब आपको ही इसका चार्जेस मिलेगा, लिस्टिंग इज़ फ्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टिंग इज़ फ्री, वंस ऑल द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, तो आप इसको लिस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लीट लिस्टिंग में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे अप्रूव कलेक्शन बोल के है, इसमें करना है, ठीक है। उसके लिए आपका कन्फर्म एक ट्रांजेक्शन चार्ज है जिसका 0.00161 मैट्रिक अराउंड, यहाँ पे देख सकते हो अराउंड इसका दिया हुआ है बिलो 0.01 डॉलर, यानी 1-2 रुपया में, या फिर बिलो 5 रुपीज़ में आप इसको वो जो है इसका ट्रांजेक्शन कन्फर्म करके आप इसको सेल कर सकते हो। तो उसके बाद अब जैसे इसको कन्फर्म लिस्टिंग करोगे तो मेरा अभी यहाँ पे अमाउंट है नहीं, इसलिए नहीं दिखा, नहीं हो रहा है। तो कन्फर्म लिस्टिंग करोगे तो आपका ये लिस्ट हो जाएगा, और जैसे कोई सेल इसको बाय कर लेता है तो आपका ये सेल हो जाएगा और ये जो अमाउंट है आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको आप बाय सेल कर सकते हो। तो गाइस और भी ऐसा जो भी एयर ड्रॉप मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा, तो काइंडली मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।